चुनाव को जन आंदोलन बनाने में पूज्य रामदेव जी की अखंड एक निष्ठ तपस्या भी, देश के राजनीतिक दलों को मजबूर किया जा रहा है और बाबा रामदेव जी का ये प्रयास उसी दिशा में एक नक्कर मक्कम मजबूत कदम है। और जो बाबा रामदेव जी ने स्वाभिमान आंदोलन के साथ जुड़े हुए सिपाहियों ने और नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से जो अपेक्षाएं रखी है, हम जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करने वाले लोग। स्वामी जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं योग गुरु के रूप में। जैसे खेल में ऑलराउंडर होता है, योग गुरु से आरंभ करते करते देश के राजनीतिक और सामाजिक विषयों के ऊपर चिंतन बनाया। स्वामी जी तो एक नई सोच लाकर उसका प्रभाव और दबाव और उसकी छाप देश पर छोड़ना चाहते हैं। स्वामी जी, कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। पूज्य स्वामी जी ने भारतीय स्वाभिमान न्यास की स्थापना इसलिए की ताकि इस न्यास के माध्यम से भारतीय पुनर्जागरण और भारत के पुनर्निर्माण का शंखनाद किया जा सके। पूज्य स्वामी जी, आपने जो यह बहुत ही गहन चिंतन मनन करने के बाद जो यह फैसला किया है वह देश के हित में है। एक संत आएंगे हिंदुस्तान में राजनीति में, और वो संत हिंदुस्तान का पुनरुत्थान करेंगे और हिंदुस्तान को अखंड भी कर देंगे। एक 7-8 साल पहले मैंने रामदेव जी स्वामी जी को देखा, मैंने कहा यही नॉस्ट्रेडेमस ने मुझे कहा। विश्वामित्र ने जो काम किया है वही आज बाबा रामदेव हमारे लिए कर रहे हैं। संत के बिना इस देश में पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। आज हमारे पास एक संत है। इक्कीसवीं शताब्दी में जो सबसे ज्यादा हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव करने के लिए हीलर ऊर्जा प्रतिपादित होगी वो भारत के पतंजलि योग के माध्यम से होगी, और विशेषकर जो उन्होंने सारे देश और दुनिया को योग के माध्यम से एक आदर्श जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा दी है उसके लिए ये सारा देश और विश्व स्वास्थ्य संगठन उनका हमेशा ऋणी रहेगा। बाबा जी बहुत दिनों से काला धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लग रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के सही राजदूत हैं। पूरे दुनिया में आयुर्वेद और योग विज्ञान का प्रसार करने का कार्य उन्होंने बहुत प्रभावी रूप से किया है, और विश्व में भी आज भारत के तरफ एक प्रेरणा के रूप में लोग देखते हैं। इसका कारण रामदेव बाबा जैसे संत हैं कि जिनके विचारों के कारण हमारे देश के विचारधारा को बहुत बड़ी मान्यता मिली है। स्वामी जी के आशीर्वाद सगळे सोबत आहेत। स्वामी जी, मैं आपका आभारी हूँ। कोई एक तो राह दिखाने वाला मिल गया, नहीं तो हमेशा यही कहा जाता है कि हिंदुत्व की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, सारे लोग डरते। आदरणीय स्वामी जी, तुम्ही मला इथे बोलायची संधी दिली, मी माझं सौभाग्य समजतो, आणि तुमच्या सर्वांबरोबर मला गप्पा मारण्याची संधी दिली हे माझं खरं सौभाग्य आहे। के बाबा रामदेव जी सन 2014 में जिस धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, देश का अल्पसंख्यक, देश का मुसलमान बाबा रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, और आने वाले दिनों में हम ये स्पष्ट करेंगे कि बाबा रामदेव की ही नीतियां इस देश के हिंदू मुस्लिम इतिहास, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार बाबा रामदेव जी की बात को हम लोग पूरे विश्व में फैला कर रहेंगे। जहाँ चाणक्य ने पूरे संसार को अर्थशास्त्र पढ़ाया, आज के युग के चाणक्य बाबा रामदेव जी महाराज जी हमारे मध्य हैं। पर एक व्यक्ति उनकी प्रेरणा की वजह से मैं आया हूं, और वो है स्वामी रामदेव जी। जब वो एक अकेले व्यक्ति इतना बड़ा बीड़ा उठा सकते हैं, भारत माता की जो तस्वीर श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने देखी उसको देख करके वो मौन नहीं रह पाए, वो उसको सहन नहीं कर पाए। एक योगी हृदय होने के कारण, एक करुणा से भरा हुआ हृदय होने के कारण श्रद्धे स्वामी जी महाराज भारत माता की उस सिसकती हुई तस्वीर को देख करके, रोती हुई तस्वीर को देख करके
करुणा से भर गए और उसी दिन संकल्प ले लिया, जब तक मैं इस देश के अंतिम व्यक्ति को उसका हक, उसका न्याय, उसका सम्मान और स्वाभिमान नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये आशीर्वाद मेरे पास इस वक्त नहीं, हमेशा ही रहा है। आप इसे मैंने पूरा योग सीखा और योगासन भी मैंने करके दिखाया है और आपने पूरा अप्रूव किया है उसे। योग जो बताया गया है वो सब मैं करती हूँ, प्राणायाम सब कुछ। बहुत आभारी हूँ बाबा जी की, क्योंकि इन्होंने मेरे को इतना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और उम्मीद करती हूँ कि इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। कि हमेशा जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पर थे, अनुपम और मैं भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से लड़ते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी संकल्प लिया है, जब तक भारत माँ आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं बनती, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी निरंतर तप करने वाले हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया है, तब तक वह हरिद्वार भी जाने वाले नहीं है, पतंजलि योगपीठ जाने वाले नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज वर्तमान सत्ता को ललकारने का साहस कर रहे हैं। पूरी मीडिया, पूरा देश व दुनिया ये मानता था कि पूज्य स्वामी जी महाराज के आंदोलन की जड़ें हिंदुस्तान के 6,38,365 गांवों तक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, अंडमान निकोबार के उन दूर दराज के गांवों तक, जहां सरकार की योजनाएं आज तक नहीं पहुंची है, वहां पर स्वामी जी का आंदोलन और स्वामी जी का योग पहुंचा हुआ है। जब बाबा पूरे राष्ट्र को योग को केंद्र में रखते हुए हर क्षेत्र में लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। धन्य है पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने गुफाओं में छिपे हुए योग विज्ञान को जन जन का और घर घर का एक आयाम बना दिया। जैसे बाबा ने 9 मास तक पतंजलि पीठ में जाने की जो प्रतिज्ञा की है, यदि भारत स्वाभिमान के लिए और भारत नव निर्माण के लिए जो भी कुछ करना है, लेकिन ऐसा राष्ट्र को निर्माण करने वाला योगी पुरुष इस काल के अंदर में रामदेव जी महाराज सिवाय मेरे कोई नहीं दिखाई पड़ता। मानवीयता का एक ताज रामदेव जी, योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगी राज रामदेव जी। स्वामी जी का हम सपना सजाएंगे, स्वामी जी का हम सपना सजाएंगे, मोदी जी से झंडा लहराएंगे, हम बदलेंगे जमाना। विश्वास करो तुम बाबा पर, ये नवयुग के निर्माता हैं। अरे ऐसे संत इस मातृभूमि पर कभी कभी ही आते हैं।